मेडिकल स्टोर चंगनी बाजार की ओर से 2001 रुपए का पुरस्कार जो कि डॉक्टर अमानत के हाथों से दिया जाएगा और वहीं 6 हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्का लगाने वाले को मोहम्मद शफी गुल स्कॉर्पियो की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और वहीं प्रत्येक छक्का जीनियस स्टूडियो सेंटर चंगनी बाजार और इसी बीच नए गेंदबाज चले शरीर के लिए अस्तरी जिसे फिर से लेकर पे उठा के खेलना चाहते थे जीत हुए वहां पे कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी भी स्कोर 98 रन बोलर ने सुशील जो कि अपने को देगा दूसरा लेकर के चले इस ओवर में अगली बार सहित के लिए सही प्लेस ऑफ टाइम में खेल दिया अच्छा तरीन तरीके से और जब तक गेंद को फील कर पाते दोनों बल्लेबाज के पास मौका था एक रन लेने को उसी एक रन के सहारे पड़ता हुआ स्कोर 99 रन सुशील जो कि अपने कोटे का तीसरा और अपने टीम की तरफ से 17 मा ओवर लेकर के चलेंगे इस ओवर में अगली बार और यहाँ पे फिर से 9 मा छक्का लगता हुआ तो एक के बाद एक लगभग सुरगांव टीम के 9 खिलाड़ी जो कि पवेलियन लौट चुके हैं और अब अंतिम जोड़ी जो कि देखना है बचे हुए अभी भी यहां से इस ओवर के बाद कुल 3 ओवर का खेल होना बाकी और ये अंतिम जोड़ी जो कि अब आए हैं नए बल्लेबाज बैट्समैन नेम जावेद पहले जावेद प्लाय और अब आए हैं जावेद सामने हैं सुशील चले इस ओवर में अगली बार राइट हैंड ओवर करेंगे जावेद के लिए अच्छी गेंद और इस गेंद को पूरा सम्मान दिया वहां पे जावेद ने कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं अभी भी स्कोर 99 रन 99 का एक झटका लग चुका है इसी बीच रोशन वैसे अपनी बॉलिंग मार से तैयार सामने है जावेद जावेद के लिए चलेंगे राइट हैंड ओवर कर दी और ये से और वहां पे फिर से जीवन दान मिलता हुआ 100 रन पे जीत थोड़ी देर की सब पाखाने के बाद उछाल लेते हुए बैट्समैन इसे लेग साइड में प्लेस कर दिया था तो वही खड़े फील्डर के हाथों में तो इस तरह से जीवन दान मिलता हुआ और इसी बीच 17वें ओवर की समाप्ति तो 17वें ओवर की समाप्ति के बाद 99 रन 9 विकेट के नुकसान से सुरगांव की टीम आज सुबह टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और वही अब सुरगांव के खिलाड़ी कुछ समझाने के लिए पहुंचे ग्राउंड में तो इसी बीच अब आए हैं नए गेंदबाज दीपू पहले कूद गया अब आए हैं किशनपुर टीम के कैप्टन दीपू जो कि अपने कोटे का पहला और अपने टीम की तरफ से 18वां ओवर लेकर के सामने है शरीफ शरीफ के लिए चलेंगे दीपू जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अब तक देखने को मिला है दीपू जो कि अपने कोटे का पहला और अपनी टीम की तरफ से 18वां ओवर लेकर गया है चलेंगे शरीफ के लिए जो कि अंतिम जोड़ी सुटगांव की ओर से जावेद और शरीफ की जोड़ी मैदान के बीचों बीच चलेंगे दीपू राइट हैंड ऑन द विकेट शरीफ के लिए उठा के तो इस तरह से ऑल आउट होती हुई तो अपनी पहली गेंद से विकेट का फराक तो इस तरह से ऑल आउट हो चुकी है यहाँ पे सुरगांव की टीम 99 के स्कोर पे वही किशनपुर टीम को अगर ये जीतना है तो पूरे 100 रन बनाने होंगे और देखना है कि बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी और फील्डिंग
करते, एक समय ऐसा लग रहा था कि 160 170 का स्कोर यहाँ पर बनाने में कामयाब हो पाए।